इसमें इमरान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों के लिए ये एएलपी का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आप बिगेंस विद द एंड इन माइंड, कि आप जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जाएंगे कहाँ और क्या करने वाले हैं। बेसिकली कोई भी बिजनेस मॉडल है उसके अंदर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो अमेजोन केडीपी बिजनेस है। उसमें मॉडल के अंदर आप लोग जहाँ कहाँ रहे हैं और उस मॉडल को आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब आपने इसको ज्वाइन किया है और ये एक फ्यूचरिस्टिक इसको आप देख रहे हैं बिजनेस के तौर पे, तो आप करने क्या जा रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आप अपनी बुक्स लॉन्च करने जा रहे हैं एक ऐसे मार्केट प्लेस के अंदर जहां पर आपको बहुत ज्यादा सेल्स भी मिल सकती हैं और बिल्कुल आपको बिल्कुल लो सेल्स भी मिल सकती हैं, और इन बिटवीन भी आप रह सकते हैं। वो आपकी स्ट्रेटजी और आपकी वर्क उसके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और जो रैंकिंग के मेथडोलॉजीज हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बुनियाद पे जो है ये सब कुछ डिपेंडेंट है। अब हमें ये क्या करना है कि हम जब इसकी प्लान को लेके चल रहे हैं, सो व्हाट इज योर प्लान, यू आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रांड। बेसिकली यू विल हैव अ नेम ऑफ अ ब्रांड, आपके पास एक ब्रांड का नेम अभी फ्लैग करेंगे इन द सेकेंड फेज जैसे आपकी बुक लॉन्च के पास जाएगी, और वो आपकी हर बुक के पर बैक कवर पे छप जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इन द पब्लिशिंग बिजनेस। सो ओवर द पीरियड्स वो, अभी क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट किया और बूम और बहुत सारा पैसा और बहुत सारे डॉलर्स और वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इसमें ग्रेजुअली आपको कुछ ईयर्स की स्ट्रगल भी है, कुछ मंथ्स की स्ट्रगल है, एक माइनर लेवल के प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टार्ट में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट ओवर द पीरियड ही कर। अच्छा, इसमें एक टेक्निक यूज की जाती है बहुत ज्यादा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कहाँ से आएंगे और वो कौन है, आपकी बुक्स के ऊपर जो आएंगे वो कौन है, वो आपने कैसे गैदर करने हैं। ये जो स्टेज है, ये है तो स्टेज लॉन्च की, कि आप जब लॉन्च पे जाते हैं तो कैसे उसको कैप्चर करते हैं ऑडियंस को, कैसे अपनी सेल्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन लॉन्च से पहले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप आज कल काम कर रहे होंगे। सबसे पहला जो है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे होंगे, वो आई थिंक इसका रिसर्च का होगा, कीवर्ड कैटेगरी और टाइटल रिसर्च का। जैसे ही वो फाइनलाइज बिल्कुल होगा वो जाएगा राइटिंग के प्रोसेस में। लेकिन यहाँ हर स्टेप पे क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है, टीम के साथ इंटरेक्ट करना और उनसे लाइक उनके साथ साइड बाय साइड थोड़ा काम करना, ये इतना जरूरी है। एक्शन लर्निंग प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि वो ही इंश्योर करेगा कि कल को आप कैसे इनकम जनरेट करेंगे। बेसिकली जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन होगा, मैंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑथर्स का काम किया है और अभी भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्विंग मोर देन 400 ऑथर्स। सो उनके साथ हम फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों जानर के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड स्टिल ये सेल्स से रिलेटेड भी हम काम करते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मेजर वर्क है। अफेक्टिव मार्केटिंग इज द सेकेंड प्लेस, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई हैव डन एवरीथिंग लेकिन मैं जो है कामयाब नहीं हो सका। इसमें बहुत सारे लोग जो है आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने ये जितनी टेक्निक्स गुरुज बात करते हैं, एक्सपर्ट्स बात करते हैं, मैंने वो सब यूज की हैं लेकिन वो मैं कामयाब नहीं हो सका, मेरे बजट्स लग गए, मेरी सारी एफर्ट्स लगी हैं लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये एक है ऑथर है निक स्टीफेंसन, इसकी एक केस स्टडी है कि ये कैसे 1 लाख डॉलर पर मंथ पे गया है। इसने क्या किया है कि ये जब इसने स्टार्ट किया बैक इन 2013-14 तो ये बिल्कुल जीरो पे था और इसको कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे ग्रो करूंगा अपनी स्पीड के अंदर। फर्स्ट ईयर ने इसमें अपना लिखा है कि मेरे जस्ट जब मैंने इसको ट्वीक किया, अपने सिस्टम को बेहतर किया, तो मैंने पहले साल में 2,000 डॉलर कमाया सिर्फ, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं 9,000 डॉलर पे गया। अब ये जो पर्सन है ही इज वन ऑफ द यू कैन से कि वन ऑफ द गुड किंडलपनियर्स। अच्छा, अब ये एक सबसे अहम चीज है इस बिजनेस के अंदर, जस्ट राइटिंग मोर एंड मोर बुक्स वॉन्ट हेल्प यू अनलेस यू हैव एन ऑडियंस टू रीच। सो जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने अपनी बुक की ऑडियंस डिफाइन करनी है। अच्छा, जस्ट सेंडिंग एड्स ट्रैफिक, जब आप इसके ऊपर बुक को क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसके ऊपर एड्स रन करती हैं, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया भी है। सो एड्स ट्रैफिक, एड लगाने से भी आपकी जो कहते हैं कि लाइक यू कैन नॉट एश्योर
कि आप विन करेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ ईमेल लिस्ट बिल्ड कर ली, जिससे भी आप श्योर, आपकी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि आपने आज तक बनाई है फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वो तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल नहीं बना देते। अच्छा, इसमें ये आ जाता है 3 स्टेप्स की एक जर्नी है। जैसे कि आपने जब बुक्स को लॉन्च करना है, आप बिजनेस माइंडसेट के लोग जो हैं वो इस चीज को भी समझते हैं कि इट्स नॉट द केस, राइट अ बुक, मैजिक होगा और फेम एंड रिचेस मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आ जाती है इमरान, इसके अंदर एक और स्टेप है कि आपने अपने ड्राइव किया है ट्रैफिक टू योर ऑनलाइन एसेट्स, उसको कन्वर्ट किया फैंस एंड बायर्स में और उसको ऑटोमेट कर दिया। ये 3 स्टेप्स जो हैं, इसको कैसे अचीव करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी आज। एक चीज ये कि आपने थोड़ा सा क्रिएटिव होना है इस बिजनेस के लिए, जो सबसे अहम बात है। थोड़ा सा आपने क्रिएटिव माइंडसेट के साथ सोचना है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिजनेस लाइक होलसेल आर नॉट अ पीएल, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑडियंस डिफाइन होगी। जब प्रोडक्ट में हम जाते हैं तो उसमें होता ये है कि हर किसी की जरूरत है घर में किचन के अप्लायंसेस की, उसमें तो आपकी ऑडियंस ओपन है लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। इसके अंदर आपकी ऑडियंस थोड़ी है लेकिन कंपटीशन भी थोड़ा है। आपने ऑडियंस ग्रैब करनी होती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है रीडर मैग्नेट्स का इस बिजनेस के अंदर, जिसकी जनरेट करनी है। जैसे आपकी एक बुक है या आपकी एक साइट बनाई जाएगी फ्यूचर के अंदर, जो कि आप एक रेगुलर ऑथर बन जाएंगे, उसके अंदर क्या होता है कि रीडर मैग्नेट्स दिए जाते हैं रीडर्स के लिए, जो कि फ्री मनी के साथ दिए जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप फ्री लें लेकिन आप अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दें। वो आपकी बुक का सेकेंड या थर्ड पेज होता है और वो रीडायरेक्ट करता है एक फ्री टूल के ऊपर। अब वो जो प्रोसेस है वो हम आपको करवाएंगे जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ओपन करना है अभी से कि जैसे एक ब्रांड है, उसके कोई 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और जब वो बुक लॉन्च करता है तो अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल जनरेट करता है कि प्लीज बाय माय बुक। उनको प्रेजेंट, और वो उसकी ऑलरेडी ऑडियंस है, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी ना कभी उसको फॉलो किया था। तो उनमें से अगर 10% भी बाय कर लेते हैं तो 4,000 कॉपीज उसकी फर्स्ट डे ही सोल्ड हो जाती हैं। अब फ्री रेटिंग या रिव्यूज जो हैं दे आर डिफरेंट नाउ जो कि आज से 4 साल पहले थे। अब ये क्या होता है कि अमेजोन इनको स्ट्राइक डाउन करता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ बच जाते हैं। आपने एक बुक लॉन्च की, उसकी पीपीसी रन की, उससे आपको एक रेवेन्यू जनरेट होने लग गया, लेकिन आपने ये सिस्टम भी बना के छोड़ दिया। तो आप कभी कभार जाके चेक करते हैं मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप देखते हैं कि आई हैव 10, फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं, आप देखते हैं मेरे 60 हो गए हैं। ये एक इस तरह का प्रोसेस है। अगर हम बुक की क्रिएशन के प्रोसेस में कोई स्टेप मिस कर जाते हैं या उसमें कोई फॉल्ट है, सपोज हमने नीश ही गलत सेलेक्ट कर ली, अब हमने उसके अंदर बहुत अच्छी बुक बनाई है, स्टिल हमें मार पड़ेगी मार्केट में। अगर हमने नीश थोड़ी लाइक अच्छी थी और बुक थोड़ी हल्की भी थी, फिर भी क्या होगा कि मैनेज हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली मार पड़ जाएगी। यहाँ आपका स्टेप ये है कि आपका रीडर आपको अच्छा रिव्यू देके जाए। अगर आपके पहले 10 रिव्यूज अच्छे आ गए बाय हुक और बाय क्रूक, तो समझ लें कि आपकी बुक कामयाब हो गई है और वो आगे से आगे आपको बेनिफिट ही देने वाली है। बट इट्स वेरी टफ टू गेट राइट रिव्यूज। अच्छा, टेक्निक्स मार्केट में यही चल रही हैं इस बिजनेस को ग्रो करने की। नंबर 1 हो गया ऑडियंस बिल्डिंग थ्रू फ्री प्रोमोस एंड फ्री वेबसाइट गिव अवेज। सेकेंडली, लोग पीपीसी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं या पीपीसी रन करते हैं सेल्फ और उसके अंदर कंपीट करते हैं। ये 2 एरियाज हैं मार्केटिंग के अंदर। इससे पहले का जितनी भी जर्नी है वो आप ALP के बाकी इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा था आज के दिन में कि जो आपकी बुक लॉन्च की स्ट्रेटजी है, जो आप लोगों की यू कैन से कि आपने एक बुक लॉन्च करनी है, तो उसमें आपने क्या क्या चीजें देखनी है। एक और वर्ल्ड वाइड वेरी फेमस, आज से 4 साल पहले उन्होंने ये ब्लॉग लिखा था और आज भी ये वैलिड है, ये है टाइलर बासु। इनकी द बुक लॉन्च स्ट्रेटजी ऑफ अ नंबर 1 अमेजॉन सेलर। अब ये वो स्ट्रेटजी है जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ये हम अप्लाई अब भी करते हैं, ये आपकी बुक्स पे भी अप्लाई होगा।
इसके अंदर एक अमेज़न बेस्ट सेलर जो है वो ये बयान करता है कि मेरे ब्लूप्रिंट्स क्या हैं, मैं कैसे एक बुक लॉन्च करता हूँ। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है कि आप लाइक इसको समझ ना सके, इसको अप्लाई करना थोड़ा टफ है, लेकिन उसके लिए वी हैव अ स्ट्रक्चर।